अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक होंगे, लश्मश होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड यस, थैंक यू सो सो मच मेरी इंस्टाग्राम फैमिली एंड यूट्यूब के लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया गिव अवे में, बल्कि इस गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है इंस्टाग्रामियंस ने, जितने भी इंस्टाग्राम पर लोग मौजूद हैं, थैंक यू सो सो मच फॉर योर लव और धड़ाधड़ फॉलो करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम अनाउंस करने जा रहे हैं गिव अवे, जो कि इंस्टाग्राम पर मैंने अनाउंस किया था, उनके विनर्स कौन हैं और क्या क्या किसने क्या विन किया है। अच्छा, यूट्यूब वाले सोच रहे होंगे हमें तो इस गिव अवे का पता ही नहीं था, तो मैंने हमेशा कहा है कि यार जाकर वीडियो देखते ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बड़े मज़े मज़े की स्टोरीज़ आती हैं और बड़े मज़े मज़े की हम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एक तो रिग्रेट होगा जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक डाल देती हूँ, फॉलो कीजिए और जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ होंगी उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे हाल अहवाल पूछ रहे थे, बाजू का पूछ रहे थे। एक्चुअली मेरा ये शोल्डर जो लेफ्ट है ये फ्रैक्चर है अभी भी। यस, बिल्कुल फ्रैक्चर है और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी एक्टिविटीज चल रही है मुसलसल, बिकॉज मेरा मानना ये है कि जिंदगी में मसले मसाइल होते रहते हैं, परेशानी आती थी, ये छोटी मोटी चोटें जो है ना ये आपको रोक नहीं सकती। वी आर अनस्टॉपेबल, जितनी भी फीमेल्स हैं हमें काम करना है, अपने लिए इंडिपेंडेंट होना है और जो भी प्रॉब्लम आए स्माइल के साथ उसको फेस कीजिए। और जनाब कुछ लोग इस हादसे का पूछ रहे थे, तो ये सेकेंड डे हुआ था इसीलिए मोबाइल पकड़ने में भी ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है। सो अभी इंशाल्लाह 4 से 6 हफ्ते में रिकवरी हो जाएगी, बेहतर हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, तो हम एक मीटअप रखेंगे इस्लामाबाद में। अभी करना ये है आप लोगों ने कि आपने सभा निगत कलेक्शन के पेज पे भी जाना है और आप लोगों ने अपनी जो है शॉपिंग कर लेनी है। आई एम सो सॉरी, मुझे आदत हुई हुई है बालों को सेट करने की। और दूसरा ये कि हमारा एक ट्रिप जा रहा है सोना को खानपुर डैम, इफ़ यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो विद अस, आप लोग उसकी भी डिटेल ले सकते हैं। कम टू द पॉइंट, विनर्स कौन है? मेरा बस चलता तो मैं एक एक बंदे को, एक एक बंदी को विनर बना देती जिन लोगों ने एफर्ट की, लेकिन जिन लोगों ने एफर्ट की है यकीनन उनके मैंने देखे भी हैं, स्पेशली जो फर्स्ट विनर हैं, मतलब वाओ यार क्या बंदी है वो। उन्होंने एक एक वीडियो देखी है यूट्यूब की, स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं मुझे, मेरा DM भरा पड़ा है। अगेन सेकेंड जो है, सेकेंड वाली जो विनर है उनके फॉलोअर्स ने बाकायदा कमेंट्स में लिखा है कि दे फॉलोड बैक और सब कुछ, और फर्स्ट वाली का भी सेम। थर्ड वाली ने भी बहुत एफर्ट की और फोर्थ वाली शायद उन्होंने देखा आज था, बट उन्होंने भी बकायदा एफर्ट्स किए हैं। सो मैं आपको गिव अवे शो कर देती हूँ, एक्चुअली मिलने वाला क्या है, किसको क्या। सो दिस इज फॉर फर्स्ट विनर। फर्स्ट विनर कौन है जी? glam.glam हिना। हिना कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यस यू डिड ग्रेट जॉब। मैं इनको एक आई पैलेट दे रही हूँ, ये इयर रिंग्स है मेरे पास, इसके अलावा ये है डायरीज 3, इसमें राइटिंग का भी है और स्केचिंग का भी है। सो दिस इज फॉर glam.glam हिना, आई थिंक हिना बट नाम है उनका। सो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकंड विनर है ब्लश्ड बाय जरताज एंड वाओ ब्लश्ड बाय जरताज। मतलब फर्स्ट और सेकंड चूज करना जरा मुश्किल हो रहा था, बेसिकली ये समझ लें कि इनमें टाई ही है, बिकॉज जरताज ने भी बहुत सारे लोगों को टैग किया और उन्होंने कमेंट्स भी किए। इनको मैं एक दे रही हूँ पिक्चर फ्रेम और ये इयररिंग्स है, इसके अलावा जो है ये डायरी है और ये हिजाब सेटिंग के लिए, दुपट्टा सेटिंग के लिए हैंगर्स है। मैं आई विश इसको खोल के दिखा दूँ एक मिनट। सो इसमें आप लोग ऑलमोस्ट, बल्कि ये और भी बड़ा है, इसकी 2 लेयर्स हैं ये वाली। इसमें कितने दुपट्टे होंगे? 8, 8, 16 और 8, 24 दुपट्टा या हिजाब आपके हैंग हो सकते हैं। थर्ड विनर इज एक्सप्लोर विद मॉमी एंड शी डिड ऑल्सो ग्रेट जॉब। इनके लिए ये कोटेशन में भेज रही हूँ, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू दोज हु बिलीव। इन्होंने मेरे ख्याल में कल ही गिव अवे देखा था और शी कम लाइक दिस के बस मैं सबको हरा दूंगी। और ये ब्लशन किट है, इसके अलावा ये डायरी है अगेन, और ये छोटी सी बास्केट है जिसमें ये कैंडीज वगैरह कुछ भी रख सकती हैं। नाउ कम टू द फोर्थ विनर। फोर्थ विनर इज शरारती जैनी और इनके लिए ये इयररिंग्स है, ये लिपस्टिक है और ये डायरी है। सो दैट्स इट। और एक बात जो कि मैं बताना भूल गई वो ये कि आप लोगों में से जो विनर्स हैं उन लोगों को करना क्या है, इंस्टाग्राम पे आप लोग करेंगे क्या कि आप लोगों ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना एड्रेस, अपना फुल नेम जो कि कोरियर सर्विसेज को आपको देते हैं पार्सल के लिए वो भेजेंगी, लाइक नाम, नंबर,
और अपना फुल एड्रेस, तो मेरी टीम आप लोगों को ये तमाम गिव अवेज जो कि आप लोगों ने विन किए हैं आप तक पहुंचा देगी, तो ये डिटेल्स आप मुझे भेज दीजिए। एनीवेज अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे अब गालियां देने वाले हैं, बहुत सारे लोग लिखने वाले हैं कि ये तो सिलेक्टेड है, प्लान है कुछ भी, बिकॉज जब मैंने पहला गिव अवे किया था और वो सबके सामने हुआ था बाय लकी ड्रॉ, लेकिन तब लोग भी बहुत सारे डिसअपॉइंट हुए थे, नाराज हुए थे, तो आई एम सो सॉरी। मेरे बस में हो तो जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं मैं सबको गिव अवे दूं, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। जैसे ब्लश बाय ज़रतार ने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट चूंकि वो लकी ड्रॉ के जरिए था तो वो किसी और की किस्मत में थे, तो इंशाल्लाह आगे गिव अवे होते रहेंगे। आप लोगों ने सिर्फ करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है बाकी तमाम लोगों के साथ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने अच्छा एक और चीज़ मैंने ये कहा था उस स्टोरी में कि गिव अवे मैं तब दूंगी जब 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बट नाउ यू गाइस कैन चेक कि अभी 5000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, बट चूंकि आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, आप लोगों ने इन दो दिनों में बहुत ज़्यादा यू नो टैगिंग की है लोगों को, शेयर किया है अपनी अपनी स्टोरीज में, मैंने एक एक के एक्टिविटीज चेक की हैं और देखा है, और तब ये विनर्स चूज हुई हैं। सो जो लोग नहीं हुए वो डिसअपॉइंट बिल्कुल ना हो, मुझे बस दुआओं में याद रखें, दुआ करें कि मेरा ये हाथ और बाजू शोल्डर जल्दी से रिकवर हो जाए, और इंशाल्लाह फिर हम इस्लामाबाद में एक मीटअप रखते हैं। सो अच्छा नेक्स्ट गिव अवे जो है वो मैं अब जल्दी अनाउंस करूंगी इसी लास्ट वीक में, और वो किसके बारे में होगा सरप्राइज है बिल्कुल, वो गिफ्ट्स मैं पहले शायद अनाउंस कर दूँ और आपको मैं बताऊंगा, अगर आप ये विन करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, और वो हमारा कोई ट्रिप भी हो सकता है और इसके अलावा कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है, तो स्टे अपडेटेड, इंस्टाग्राम पे रहिए साथ साथ, यूट्यूब पे रहिए साथ साथ, और एक से दो और चीज़ें जो कि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अपना सदका दें, नज़र उतारेंगे वो, तो मैं तमाम सारी चीज़ें कर रही हूँ, आप प्लीज़ दुआओं में याद रखें। आज की वीडियो लेट आने की भी वजह ये थी कि मैं अभी कल से भी नहीं सोई हूँ, मैं थोड़ा काम कर रही थी, सभा निगत कलेक्शन के हमारे कुछ ऑर्डर्स डिस्पैच होने वाले थे उन पे वर्किंग कर रही थी, और इसके अलावा जो है माय मदर इज़ नॉट वेल, शी वाज इन हॉस्पिटल, आप उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें, जब भी नमाज पढ़ें या स्पेशल दुआ मेरे और मेरी फैमिली के लिए, मेरी टीम के लिए ज़रूर करें, ताकि जो भी मेरे वेंचर्स चल रहे हैं बिजनेस वेंचर्स उनमें भी वो जो एक नज़र का तासुर है, मुझे सभी बोल रहे थे कि प्लीज़ अपनी नज़र उतारें और सदका दें ये वो, तो वो ना आए, क्योंकि नज़र होती है समटाइम आपको अपनों की भी हो जाती है, तो आप लोग मेरे अपने हैं और दुआओं में याद रखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, दैट्स ऑल। मिनट क्यू की जानिब से मुझे एक बास्केट आई थी बारबेक्यू वाली, उसकी वीडियो जो है वो मैं कल की पोस्ट में मर्ज करूंगी, कल की वीडियो में, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।